अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका अपना असगर अली। यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, आपके लिए हम पबजी टेस्ट लेकर आए हैं स्पार्क्स अल्ट्रा 11 का। तो देखेंगे गेमिंग में कैसा रहता है ये फ़ोन। तो रिसेंटली पाकिस्तान में लॉन्च किया गया अल्ट्रा 11 की जो पाकिस्तान में प्राइस है वो है 33,000 रुपये। 8 GB रैम, 128 GB की इंटरनल स्टोरेज। प्रोसेसर यहाँ पर मिलता है मीडियाटेक हीलियो G88 का। 5000 mAh की बैटरी यहाँ पर मिल जाती है और साथ में 18 वाट की चार्जिंग है। उसके साथ डिस्प्ले अगर देखें तो 90 Hz वाला आपको एक IPS पैनल मिलता है। अब डिस्प्ले के हिसाब से कैसा है ये फ़ोन ये अंदाज़ा लगा लेंगे। तो बैटरी इस वक्त रिमेनिंग है 57%। देखते हैं भाई बैटरी का कितना खर्चा होता है, कितनी ड्रेन आखिर करता है बैटरी को ज़्यादा या कम। और अगर जायरोस्कोप का मामला देखें तो ऑलवेज ऑन मतलब जायरोस्कोप का ऑप्शन भी मौजूद है, रिवर्स जायरो का भी। जायरोस्कोप का ऑप्शन हमें प्ले नहीं करना आता। तो खैर यहाँ पर स्मूथ में, अल्ट्रा में सेटिंग और HD में हाई सेटिंग्स में हम प्ले कर सकते हैं दोस्तों। तो हम बैलेंस में वैसे अल्ट्रा में प्ले कर सकते हैं, बैलेंस में अल्ट्रा में प्ले करते हैं। यहाँ पर भाई 4 मिनट हो गए हैं प्ले करते हुए ओवरऑल फ़िलहाल के लिए अब तक। भाई यहाँ पर डार्कनेस है दोस्तों, हमने फुल ब्राइटनेस की हुई है और यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट की हुई है। तो देखेंगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ भाई कितना दम लगाता है ये फ़ोन। खैर प्रोसेसिंग वगैरह तो अब तक ठीक है। यहाँ पर अगर देखिए तो डिले है थोड़ा सा, जायरोस्कोप ज़्यादा फास्ट नहीं गएंगे, बट यहाँ पर फीके फीके कलर्स हैं दोस्तों। डिस्प्ले का मामला अगर देखें तो उस हिसाब से कलर्स थोड़े से फीके हैं। परफॉर्मेंस वाइज भी ठीक जा रहा है फ़िलहाल के लिए, बट यहाँ पर G99 होता तो मज़ा ही आ जाता है। यहाँ पर टच रिस्पॉन्स वगैरह का और भी स्वाद आ जाता भाई। बट यहाँ पर प्ले करके देखेंगे कि भाई थोड़ी देर में क्या होता है। 20-25 मिनट प्ले करते हैं, देखते हैं क्या बनता है और क्या परफॉर्मेंस रहती है।
यहाँ पर पबजी टेस्ट हो गया है कंप्लीट और 23 मिनट तकरीबन आप लगा लें कि हमने पबजी टेस्ट कर लिया है। एंड यहाँ पर अगर ब्राइटनेस देखें तो ठीक है ब्राइटनेस वगैरह, बट यहाँ पर फ़ोन काफ़ी गर्म हो चुका है और ऊपर से सबसे पहले देख सकते हैं कि 46% इस वक्त बैटरी रिमेनिंग है, पहले 57 थी, 11% बहुत ज़्यादा खर्च हो चुका है क्योंकि हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑन की थी। तो काफ़ी फ़ोन में हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं लेकिन इतना खर्चा नहीं होता, फ़ोन भी गर्म हो गया, कमरे का टेम्परेचर भी नॉर्मल है, 17-18 डिग्री है कमरे का टेम्परेचर, इतना ज़्यादा भी नहीं है। तो उस हिसाब से यहाँ पर ब्राइटनेस हम ऐसे ही फुल रखते हैं तो दूसरे फ़ोन्स में इतनी नहीं जाती। यहाँ पर 46% है, मतलब आप ये लगा लें कि 11% बैटरी का यहाँ पर खर्चा हो चुका है 23 मिनट में। तो बैटरी बहुत ड्रेन करते हैं बेस्पार्क्स के फ़ोन, ये चीज़ सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, मैनेजमेंट नहीं है बैटरी के बारे में। तो हीलियो G88 एक पावर एफिशिएंट प्रोसेसर तो नहीं है, बट ये है कि दूसरे कम वाले प्रोसेसर से ठीक है, बट G99 यहाँ पर होना चाहिए था, कम से कम परफॉर्मेंस में कहीं कहीं पर लैग का सामना करना पड़ रहा था। तो G99 होता थोड़ा बैटरी एफिशिएंट होता प्रोसेसर, बट यहाँ पर प्राइस के हिसाब से दोस्तों ये फ़ोन वैसे बेहतर नहीं है। वीगो रियल नोट 24 बेहतर है अगर इस प्राइस में बाय करना चाहते हैं। अब आपको कैसे लगी गेमिंग टेस्ट ये वीडियो कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़्यादा हमसे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।